Hello friends, welcome to Surjeet Biology Trick Biology Made Easier. Today I am here to tell you a topic called Toxicity of Micronutrients from the chapter Mineral Nutrition from NCERT of class 11th. Today I will also explain a trick to remember all the micronutrients which are also useful in NEET entrance examination, JIPMER and AIIMS examination. So if you like the topic, please like, share and subscribe my channel. Thank you. आइए बात करते हैं दोस्तों टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो प्लांट्स को ही है, लेकिन उनका कभी कभी मिनिमम कंसंट्रेशन भी, मतलब उस कभी कभी प्लांट के लिए उनका ज़रा सा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट और नॉर्मल अमाउंट जो उसके लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, वो भी कभी कभी टॉक्सिक हो जाता है। उसकी ग्रोथ में क्या करता है, हिंड्रेंस पैदा करता है, प्लांट को सुखा देता है। तो हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको याद हो जाएगा कि मिनिमम अमाउंट के लिए कौन कौन से एलिमेंट जिम्मेदार हैं और नॉर्मल कंसंट्रेशन पे कौन कौन से एलिमेंट टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए देखते हैं, पहला एग्जांपल है नॉर्मल अमाउंट के लिए। आइए ट्रिक बताते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। पहला है मन मोरा जाने। इसका मन जान रहा है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं कर रहा है? क्योंकि इसे क्या कहा जा रहा है कि जाइए आप छत पर ऑल आउट लगा के सो जाइए। तो कोई उल्लू भी जानेगा कि छत पर ऑल आउट काम नहीं करता और उससे मच्छर नहीं मरते। तो उसे बताया गया कि मन मोरा जाने कुछ भी नहीं, ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं मरते। तो मन मोरा जाने कुछ भी नहीं, ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं मरते। इसको डिकोड करेंगे दोस्तों। पहला है मन, मतलब होता है मैंगनीज, एम एन मन, ये होता है मैंगनीज। मोरा होता है मो से एमओ, तो ये होता है मॉलीबेडनम। जाने जान जन जन, तो ये जिंक हो जाता है, जिंक हो जाएगा। कुछ हो जाएगा कॉपर, सी यू, इट इज नोन एज कॉपर। बी इज कॉल्ड बोरॉन, ये हो जाएगा बोरॉन। तो ये हो गया मन मतलब मैग्नीज, मोरा मतलब मॉलिब्डनम, जाने मतलब जिंक, कॉपर मतलब कुछ, बी मतलब बोरॉन, नहीं मतलब क्या होता है, नहीं मतलब होता है नॉर्मल कंसंट्रेशन। इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम कंसंट्रेशन होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल कंसंट्रेशन में जैसे ही आ जाएंगे तैसे ही प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएंगे, प्लांट मर जाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं किसके नीचे वाले। नीचे में क्या है, ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं मरते। एक आदमी अपनी रिश्तेदारी में गया था, उसको छत पे सोने के लिए कहा गया। उसने कहा नहीं, मैं ऑल आउट लगा के नहीं सोऊंगा, मुझे मच्छरदानी दीजिए। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि छत पर ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं मरते। तो ऑल आउट को डिकोड करते हैं, ऑल आउट हो जाएगा एल्यूमिनियम, AL हो जाएगा एल्यूमिनियम। लगाने से लेड हो जाएगा, लेड हो जाएगा, साइन PB होता है, ये लेड कहलाते हैं। तो ऑल आउट लगाने से हो जाएगा SE, इसे बोलते हैं सेलेनियम। मच्छर मतलब होता है मरकरी, HG, इसे बोलते हैं मरकरी। पारा होता है जो थर्मामीटर में पाया जाता है, मरकरी। उसके बाद नहीं होता है NI, नहीं, इसे बोलते हैं निकल, NICKEL, निकल। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या होते हैं, ये मरते मतलब होता है इसका मिनिमम कंसंट्रेशन। जरा सा भी पेड़ में आ गया तो पेड़ क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मिनिमम कंसंट्रेशन होता है। तो क्या कहते हैं, देखो ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं मरते, तो ऑल आउट मतलब एल्यूमिनियम, लगाने मतलब लेड, से मतलब सिलीनियम, मच्छर मतलब मरकरी, नहीं मतलब निकल।
और मरते हैं, मतलब मिनिमम। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इतने सारे एलिमेंट जिनके नॉर्मल कंसंट्रेशन होते हैं वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, और जिनका मिनिमम कंसंट्रेशन, जरा सा भी कंसंट्रेशन पेड़ में आ गया तो प्लांट मर जाते हैं। तो तरीका क्या है, मन मोरा जाने कुछ भी नहीं, ऑल आउट लगाने से मच्छर नहीं मरा करते। ये बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपका नीट का, एम्स का, जिपमेर का और जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सबका पेपर बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो नीचे लगा लाल बटन दबाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, धन्यवाद।